टू कंपनी अकाउंट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम तकरीबन लास्ट टॉपिक्स पे हैं। अब ये कंपनी अकाउंट्स विद एरर्स दैट यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द कंपनी अकाउंट्स, और ए टू में ये सवाल पेपर में आपके आया हुआ है। पर कब पेपर में आया हुआ है देख लेते हैं, अक्टूबर नवंबर 2031 का ये क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं। चेंजेस इन इक्विटी दी हुई है। पीएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ ट्रेडिंग कंपनी, अ ट्रेनी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट मेड ए स्टार्ट ऑन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December। ही प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच कंटेन्स एरर्स। जारी बात है बिकॉज ही वॉज अ ट्रेनी एंड ही हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ही हैज प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट ही प्रिपेयर्ड इट रॉन्ग। तो पहली गलती तो इसके अंदर आप देखें ये है कि बैलेंस तो आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। इश्यू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स 2.5 ईच है 1,50,000 के, तो लगता ये है कि ये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, 2 रुपए का एक शेयर होगा होपफुली और 0.5 प्रीमियम है, लेकिन उसने सारी की सारी अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में ही जो है वो डाल दी है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो उसको प्रीमियम में भी साथ रिकॉर्ड करता, सारी अमाउंट उसने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ही जो है वो ऐड कर दी हुई है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट के और मजीद जो है वो क्वेश्चन में हमें जो है वो किन चीजों के बारे में किस तरीके से बताया जाता है, तो देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ डिविडेंड पेड 20,000 का, लेकिन डिविडेंड पेड सब्ट्रैक्ट किया हुआ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से, विच इज रॉन्ग। इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में से आपने डिविडेंड पेड जो है माइनस करना था, आपने गलती से माइनस कर दिया हुआ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में से। फिर 1 to 10 बोनस ऑफ शेयर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आपने इशू किए हैं, 10 के बदले एक बोनस शेयर आपने इशू किए हैं 31,000 के, तो वो गलती से आपने रिटेन अर्निंग से कॉलम में से माइनस करना था और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ऐड करना था, जबकि आपने रिटेन अर्निंग से कॉलम में ऐड कर दिया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में से माइनस कर दिया। फिर नियर 5 ईयर बैंक लोन है 25,000 का जो आपने रिसीव किया है, 80,000 का बैंक लोन पहले से पड़ा हुआ था, तो याद रखिएगा कि बैंक लोन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हिस्सा होता ही नहीं है, तो आपने गलत डाला हुआ है, बिकॉज बैंक लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 63,000 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से लोन इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बचता है आपको आपका, वो आप बेसिकली जो है वो लिखते हैं इसमें लोन इंटरेस्ट के अंदर, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। इन एडिशन टू द ऑब्वियस एरर्स द फॉलोइंग हैड not been considered, at the end of the year the premises had been revalued from 1 lakh to 1,95,000, तो वो हमने revaluation reserve record नहीं किया हुआ, general reserve create किया था आपने 30,000 का, वो भी record नहीं किया हुआ। accrued interest था amounting to 3,000 on 1st January and 5,000 on 31st December, वो भी आपने account for नहीं किया हुआ। the following information was also available, trade payables at the year end were 67,000, it is the policy of the company to keep the reserves in the most flexible form, bonus share के लिए हमेशा यही होता है, most flexible form में हम रखते हैं, तो it's not a big deal. Of the original bank loan, 20,000 is due to be repaid during 2020 with the remainder due in the following years. तो ये आपने बहुत important बात है, इसको जरा आपने गौर से समझने कि वो कहता है कि लोन आपका जो न्यू 5 ईयर बैंक लोन आपने लिया है बेटा वो 25,000 का है, ऊपर नजर आ रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ ये है 25,000 का, इसमें से वो कहता है कि 25,000 में से जो 20,000 है वो आपने अगले साल पे करना है, 20,000 है ये बेसिकली आपका करंट लायबिलिटी में आएगा, नॉट बी रिटर्न इन द नॉन करंट लायबिलिटी, और बाकी जो 5,000 है वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, विच बिकम्स 85,000, क्योंकि 5,000 रुपया नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, 20,000 रुपया करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, क्योंकि 20,000 रुपया आपने अगले साल पे करना है। उसने लिखा है ऑफ द ओरिजिनल बैंक लोन 20,000 इज टू बी रीपेड ड्यूरिंग 2020 विद द रिमाइंडर ड्यू इन द फॉलोइंग ईयर, बाकी बाद में, तो 5,000 रुपया नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा 80,000 के साथ, विच विल बिकम 85,000, और 25,000 में से 20,000 जो है वो करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा, क्योंकि वो बैंक लोन का वो हिस्सा है जो अगले साल पे करना है 2020 में। हम किस साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं अगर आप देखें 2019 का, तो बैलेंस शीट 19 की बनेगी जब, तो अगले साल जो आपने पे करना होगा वो करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December और प्रिपेयर द करेक्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December, यानी लायबिलिटी सेक्शन जो है वो आपने कंप्लीट बनाना है
और प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर भी जो है वो भी आपने जो है वो फाइंड करना है। तो पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं हम, मिटा रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ 63,000 का। मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो कि मौजूद है 63,000 का, इसमें से मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट, आपको पता है इंटरेस्ट जो है वो वैसे माइनस होता है, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपने बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखना होता है। अब ये इंटरेस्ट जो है इसके लिए आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा या आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में उसने कहा कि क्रूड इंटरेस्ट 3,000 का ओपनिंग में और 5,000 का क्लोजिंग में। तो अगर मैं इंटरेस्ट का अकाउंट बनाऊं, यहीं पर बना के अगर मैं दिखाता हूं आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग है वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और ओपनिंग जो है वो माइनस हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, लेकिन आप अकाउंट बना के दिखाना देखना चाहते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है हमारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट का ब्रॉड डाउन इधर आ जाएगा जो कि आपका 3,000 है, कैरी डाउन इधर आ जाएगा जो कि आपका 5,000 है, ठीक है जी, और जो कैश फिगर है आपकी 12,000 की वो यहाँ आ जाएगी जो आपने बेसिकली पे किया है, कैश की सूरत में आपने पे किया है वो आपकी आ जाएगी 12,000, ठीक है जी। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा बेटा, आपको पता मैं काम। तो प्रॉफिट ऑपरेशन दिया हुआ था 63,000 का, इसमें से इंटरेस्ट कैश हमारा 12,000 का आ गया है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, यानी जो आपको चाहिए बेसिकली, और वो कितनी बनती है 14,000, 17,000 में से माइनस कर देंगे आप 14,000 तो आपका आ जाएगा 14,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा टोटल, लिखा 12,000 हुआ है लेकिन आपने 14,000 लिखना है क्योंकि 12,000 में जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग। 63,000 में से 14,000 माइनस करें जी इश्वाक, इतनी अमाउंट आ जाएगी आपकी जी, तो आपकी आ जाएगी 49,000 जो है ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है जो आपने बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखना था या इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट करना था, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसको आप लिख लें जो मैंने लिखवाया है ताकि इसको मिटा के मैं आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन जो है वो आगे चला सकूं, जो आगे मैंने सॉल्व करना है। अब हमने बनाना है इक्विटी और लायबिलिटी सेक्शन किसका, बेसिकली बैलेंस शीट का, जो उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है। यू हैव टू प्रिपेयर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड यू नो इट हैज अराउंड मार्क्स आर देयर, इसके तकरीबन 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज अराउंड क्वेश्चन ऑफ 16 मार्क्स जो कि हम रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन में आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपका आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन में देखते हैं कि हमने क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है। और गंदे जी, शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल मैंने लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता इससे। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में देखते हैं जी हमारे पास क्या था। शेयर कैपिटल आपको 1,02,50,000 और 1,50,000 जो आपने मजीद जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का इसमें हमने जो है वो यूज किया है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अगर हम देखें तो 2,50,000 में आप ऐड करेंगे जो शेयर्स हैं आपके एक्चुअल शेयर्स, 1,50,000 ऐड नहीं होगा, एक तो 31,000 ऐड होना है जो कि अनफॉर बोनस शेयर्स हैं, और शेयर जो है वो आपके न्यू ऑर्डिनरी शेयर आपने इशू किए आपने सॉरी वो आपके आएंगे 2,50,000 में, और नए ऑर्डिनरी शेयर जो हम अगर हम गौर करें क्वेश्चन के अंदर तो वो 1,50,000 के लिखे हुए, उसके 2.5 से डिवाइड कर दें
लाइक 50,000 को 2.5 से डिवाइड कर दें क्योंकि एक शेयर की प्राइस 60,000 आ रहा है जी, तो 60,000 के बेसिकली आपके पास शेयर्स है और बाकी जो 90,000 है दैट इज प्रीमियम, दो इट इज नॉट मेंशन बट इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन फॉर द होल पार्ट वी विल डिसाइड वी विल अज्यूम दैट द कैन दैट द पार वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ द ऑफ पर शेयर इज वन, सो द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज वन. So how you are going to calculate the amount of share capital and share premium? You will divide 150,000 with the per share value, which is 2.5. The amount comes in 60,000. 60,000 into 1, that is the amount of share capital. And 60,000 into 1.5, that is the amount of share premium actually. Because we assume that the per share capital, per share amount is 61. So 1 into 60,000, the number of shares, that will come 60,000, which is the amount of share capital, jo humne add karni thi ordinary share capital ke andar. Aur 90,000 jo aana tha, wo share premium mein aapko record karna tha. Tab ki aapne galti se ordinary share capital ke andar usko record kar liya hai, which is wrong. Usko hum theek karenge, aur usko apni jagah pe record karenge. To ordinary share capital humare kitne aa jayenge, iski amount hum likhenge. वो आपके बेटा आ जाएंगे 2,50,000 पहले से दिए हुए प्लस 60,000 आर वैल्यू से फेस वैल्यू से प्लस इसमें आप करेंगे 31,000 जो आपने गलती से माइनस कर दिया है, तो आपके पास शेयर कैपिटल की अमाउंट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की एक्चुअल अमाउंट जो है वो आ जाएगी और ये आपकी बनेगी 3,41,000. ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी जी 3,41,000. ये हमने रिकॉर्ड कर लिए. इसमें किसी को मसला है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा. बताएं देखें जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनी हुई आपके सामने गलत बनी हुई है. 1,50,000 की अमाउंट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में डाल दी, इसमें प्रीमियम भी था असल में. 1,50,000 को मैंने डिवाइड किया 2.5 से तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए विच इज 60,000 इंटू 1 मैंने किया तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ गई 60,000 से. 60,000 इंटू 1.5 किया तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ गई 90,000. द टोटल अमाउंट विल अगेन बिकम 1,50,000. सो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 इज सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन द शेयर प्रीमियम एंड इन शेयर कैपिटल वी नीड टू एड ओनली 60,000. ठीक है, तो 2,50,000 प्लस 60,000 डिविडेंड पेड तो उसमें आना नहीं था, 31,000 का बोनस शेयर था जो आपने ऐड करना था तो वो आप ऐड कर लेंगे साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर जो है वो आ जाएगा इजीली जो कि आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि क्या जो है वो आपका आता है जो हम रिकॉर्ड करने के लिए अवेलेबल है. नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड करते हैं जी हम शेयर प्रीमियम. तो हम लिखते हैं जी शेयर प्रीमियम की अमाउंट, वर्किंग आपको करनी पड़ेगी. शेयर प्रीमियम था ही नहीं लेकिन अब हमने निकाल लिया, कितने का था 90,000 का, इसमें से माइनस कर देंगे आप जो बोनस शेयर आपने इशू किए हैं बेटा, वो शेयर प्रीमियम में से इशू किया है ना आपने, तो वो माइनस करेंगे तो 59,000 आपका शेयर प्रीमियम बचेगा जो आपने शेयर प्रीमियम में लिखना है. सर इसकी समझ नहीं आई बेटा, जरा गौर करें. ये 31,000 का जो बोनस शेयर आपने रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल दिए बेटा, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में रखने के लिए पहली बारी किसकी आती है, शेयर प्रीमियम की. शेयर प्रीमियम में से पैसे निकालने थे बोनस शेयर इशू करने के लिए और शेयर प्रीमियम आपके पास है 90,000 का, 90,000 जो आपने लिखा नहीं हुआ था, 90,000 शेयर प्रीमियम में से आपने 31,000 बोनस शेयर की अमाउंट माइनस कर दी तो बाकी शेयर प्रीमियम आपके पास जो पड़ा हुआ है दैट इज योर 59,000 की अमाउंट आपके पास आ जाएगी. उसके बाद बारी किसकी आती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व की. क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था लेकिन उसने कहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है. कितने का क्रिएट हुआ है, देखें 1,00,000 का जो प्रीमिसेस थी वो 1,95,000 की हो गई. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से क्रिएट हुआ जी, बिल्कुल 95,000 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया जो मैं ऑब्वियसली वहां पे लिख लूंगा. रिवैल्यूएशन रिजर्व के बाद बारी आपकी आती है किसकी, जनरल रिजर्व की, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा. जनरल रिजर्व हम देखते हैं, जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए लेकिन जनरल रिजर्व उसने कहा है कि हमने ट्रांसफर किए हैं. कितने का, 30,000 का हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है तो वो अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में से हम माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में ऐड कर दी जाएगी. तो आपको जनरल रिजर्व में 30,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट जनरल रिजर्व के तौर पे आई है और हमने उसको रिकॉर्ड किया है. नेक्स्ट आपका आता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स.
रिटेन अर्निंग्स की कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। रिटेन अर्निंग्स में काफी गलतियां हैं। रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 76,000 का, ठीक है जी। 76,000 में बेटा सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, प्रॉफिट जो आपने नया निकाला है प्रॉफिट, और वो हमने कितना निकाला था, इफ आई जस्ट लुक बिहाइंड, वैसे वो मैंने मिटा दिया है क्योंकि मुझे हल्का हल्का याद है 49,000 का प्रॉफिट था वो, आप लोगों ने लिखा होगा प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट के बाद जो रिटेन्ड अर्निंग्स में आपने चीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है जी, वो आपका आएगा जो डिविडेंड आपने गलती से माइनस कर दिया 20,000 का डिविडेंड आपका आ जाएगा, और जनरल रिजर्व में जो पैसे ट्रांसफर करने थे आपने वो भी आपको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 30,000। सर ये कैसे आया, देखें दोबारा, रिटेन्ड अर्निंग्स आपको दी थी 76,000 की, ये 20,000 आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में से माइनस कर दिया था, ये डिविडेंड पेड में से माइनस होना है। उसके अलावा 30,000 का जनरल रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है वो रिटेन अर्निंग के कॉलम में से माइनस होना था, तो वो मुझे माइनस करना पड़ना था, और प्रॉफिट 49,000 का मुझे ऐड करना ही करना है, और 31,000 तो रिटेन अर्निंग में आना ही नहीं है क्योंकि वो शेयर प्रीमियम में से बोनस शेयर इशू होते हैं, रिटेन अर्निंग में से इशू नहीं होते। तो आपकी रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस है वो आपका आ जाएगा कितना, 75,000 आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दीज फिगर्स, इट कम्स 75,000, वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब इसका मैं टोटल कर लूंगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 6,00,000 का रिटेन अर्निंग्स का, जो मैं आगे लिख लूंगा क्योंकि इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन उसने बनाने को हमें सिर्फ कहा है, वील गो फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर आइटम। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको पता है आपका बैंक लोन है, कर लेते हैं जी, बैंक लोन आपका आ जाएगा जी 85,000 का। सर ये कैसे आया है, देखिए मैं दिखाता हूं, आपके पास 80,000 का बैंक लोन पहले से पड़ा हुआ था, और इस 25,000 में से 20,000 का लोन आपने नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। इसका मतलब है आपका वो बैंक लोन जो एक साल के बाद पे होना है, विच इज ए नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 80,000 प्लस 5,000 ओनली, दैट बिकम्स 85,000। बाकी अमाउंट जो है 20,000 की वो आपको करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अलोंग विद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी आपके साथ जारी बातें आएंगे, तो वो बैंक लोन नेक्स्ट ईयर आपने पे करना है, दैट इज 20,000, दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, और ट्रेड पेबल जो है वो आपके आ जाएंगे, वो मैं देखता हूँ कितने के लिखे हुए, मैं जरा इसको लाइंस लगा लूं, ट्रेड पेबल्स हम देखें तो ट्रेड पेबल्स हमें प्रीमिसेस ट्रेड पेबल्स दिए हुए हमें 67,000, ये दिए हुए ट्रेड पेबल 67,000 की, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा, ये 67,000 प्लस 20,000 आपको कितना बन जाएगा, 67,000 में अभी मैंने करंट लाइबिलिटी मजीद है शायद जो कि मुझे रिकॉर्ड करनी है। सर अक्रूड नहीं आएगा वो, अक्रूड आएंगे 5,000 जी 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 5,000 के जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं अलग लिखूंगा, आई डोंट वांट टू राइट इट विद इन दिस 7,000, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेपर या अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ मैं, कितने का 5,000 का, ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो साल के एंड का अदर अक्रूड इंटरेस्ट था वो भी तो आपको पे करना है ना, वो भी पेबल्स भी अंदर आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी आ जाती है यार ये बताइएगा जरा, ये वाली 82,000 सर, 92,000 टोटल कर लेंगे इसका आप तीनों का, ये आपका बन जाएगा 777,000, दैट इज योर आंसर ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन ऑफ एरर का सवाल था जो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व की है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, आई विल स्टिल रिकमेंड यू दैट मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट करेक्टली ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप 90% भी अटेम्प्ट करते हैं अच्छे तरीके से तो इट मेक सेंस कि आपको चीजें समझ आ गई हैं या आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर है, तो प्रॉब्लम जो है वो इतनी
नहीं आएगी। ये हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए और अब हम इससे जो है वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है जी वो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल आल्सो कंटेन अ वैल्यू ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन द इवेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस एंड कॉज द कंपनी टू रिकॉर्ड द वैल्यू फॉर गुडविल। देखिए, इफ यू परचेज अनदर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न एंड इफ द नेट एसेट्स ऑफ दैट बिजनेस, if you are paying more than the net asset of the business, that is the amount of goodwill. Or state two other reasons for the goodwill, wo humne change padha hai, look good location ho sakti hai, quality of product ho sakta hai, morale of employees ho sakta hai, customer retention ho sakta hai, these all things does matter. Audit abhi humne padha nahi, to isliye iske bare mein discuss abhi nahi karunga. Next question hum dekhte hain beta, jo humne karna hai wo bhi errors ka question hi hai, piche aapko wapas jana padega. I'll go back. Solve that next question. Again, it is related to with errors. मतलब error से ही related question है हमारा वो. ये है जी question आपके सामने. ये question जी आपका बेटा किस paper में आया है, आप देख लेते हैं. ये आया है May June 1931 का question है. ठीक है जी, जो कि मैं solve करने जा रहा हूँ आपके सामने. Director of K Limited have provided the following information on 31st December, page number 240 है. Land and building दिया हुआ है, plant and machinery है, motor vehicle है, trade receivable दिए हुए, other receivable दिए हुए, cash and cash equivalent है, trade payable है, other payable है. ठीक है जी, उसके बाद आपका ordinary share है 5 लाख के, retained earnings है, gross profit for the year दिया हुआ है. The following items have not been taken into account. ये items आपने taken into account की ही नहीं है. Administrative expenses include a payment of 7500 for insurance which covers the period from 1st December 2018 to 31st May. ठीक है जी, वो आपने account for नहीं किया, वो आप करेंगे. Inventory at 31st December को was valued at cost 94,100. Trade receivable include 2002 customer who has gone bankrupt, bandits है. The director are also of the opinion that 3% of provision should be created. Land with the original cost was revalued to 2,40,000. ये revaluation आपकी हुई है. 28 December को new motor vehicle was purchased at a cost of 25,000. An old motor vehicle was given as a part exchange for 13,000. This had cost 20,000 and had been depreciated by 9760. The balance of the purchase price was paid on 31st January. Depreciation jo hai wo charge nahi hui bhi abhi tak. Land per building per 25%, straight line method hai, plant and machinery per 10% hai, aur motor vehicle per 20% hai. A full year depreciation charge in the year of purchase, but no depreciation charge in the year of sale. To identify the accounting concept to be applied in respect of item 1 and item 2, prepare the statement of showing the revised profit for the year, calculate the net book value of the motor vehicle, yani by preparing the schedule of non-current assets. Item 1 in revised profit, corrected profit find karna hai aapne. Item 1 par lagta hai beta accrual concept, theek hai ji, aur item number 2 par lagta hai prudence concept. Lekin main aapko batana cha raha tha ki item number 2 ke hawale se is question mein thoda sa problem create hua hai. Item number 2 ke hawale se wo kehta hai ki inventory ko aapne रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन एक्चुअली अगर इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड ना करें तो इन्वेंट्री आपने कम रिकॉर्ड किया, और इन्वेंट्री अगर आपने कम रिकॉर्ड की है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड होने से आपका प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट कर दिया है. लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मार्क स्कीम के अंदर पॉइंट नंबर 2 का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, विच इज एब्सोल्युटली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट द करेक्ट थिंग. क्यों? क्योंकि द फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. इसका मतलब है ये इन्वेंट्री जो है टेक इन टू अकाउंट अभी तक नहीं की गई. ऊपर भी आपको इन्वेंट्री वैल्यूज के अंदर नजर नहीं आ रही, तो अगर ये अकाउंट फॉर नहीं की गई तो इसका मतलब है इसकी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस नहीं किया हुआ, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस नहीं किया हुआ तो इसका प्रॉफिट पर बच जाता है. लेकिन मार्क स्कीम के अंदर इस एंट्री का इंपैक्ट नहीं डाला हुआ, यानी कि उसने इस एंट्री को इग्नोर किया हुआ है विद दिस कंडीशन कि इसका इफेक्ट हो चुका हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए दी हुई थी ताकि हम जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सके इसके ऊपर, प्रूडेंस का जो बताया है वो अप्लाई कर सकें. तो दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वेश्चन, विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है जी, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन से, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया 1,52,000. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. प्रोडक्टिव प्रॉफिट निकालना है ना आपने. पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आई है, क्यों? पिछले क्वेश्चंस की क्वेश्चन के अंदर आपने डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर कर लिया हुआ था, इसमें आपने अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ. ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,52,000 का है आपका.
इसमें सबसे पहले हम बेटा लेस कर देते हैं बैड डेट्स, वो आपको दिए हुए 2000 के, माइनस कर देंगे हम, फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये निकालें कितनी आती है, आपने ट्रेड रिसीवर को देखना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवर हम अपने देखते हैं जी, ट्रेड रिसीवर हमें दिए हुए जी 1,01,26,000 में से माइनस करें बेटा 2000 और फिर 3% निकालें कितना आता है 3720 की आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम माइनस कर देंगे 1,26,000 माइनस 2000 उसका हमने निकालना है कितने परसेंट 3%। आगे देखते हैं, आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में वो बता रहे हैं, इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 7500 फॉर इंश्योरेंस विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम दिसंबर टू 31st मई। हमारा साल कब खत्म हो रहा है अगर आप गौर करें 31st दिसंबर को, तो दिसंबर टू 31st मई का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च 6 महीनों की पेमेंट है, इसमें से 5 महीनों की पेमेंट जो आपने पे की है वो एडवांस में पे की है, वो आपकी बेसिकली क्या है प्री पेड है, उतने से आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, आपने एक्सपेंसिस में से माइनस नहीं की हुई जिसकी वजह से एक्सपेंसिस ज्यादा शो हो रहे हैं, प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेमेंट है इंश्योरेंस की वो दिसंबर टू मई की है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीनों की जो इंश्योरेंस की पेमेंट है वो एडवांस में पे कर दी आपने, प्री पेड है, टोटल 6 मंथ्स की है, 5/6 की प्री पेड है, ऐड कर देंगे इसमें से हम प्री पेड इंश्योरेंस, कितनी आएगी 7500 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी वहीं पे करूंगा मैं, 5/6 कितनी आती है जी सर 6250 6 ये 6250 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेंटरी, मैंने बताया था लेनी नहीं आपने, लैंड रिवैल्यूएशन जो है वो प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं आता उसका आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन को देखना है हमने, आप तो डेप्रिसिएशन पहले बिल्डिंग की देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड 25 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बिल्डिंग को देखते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिया हुआ है कॉस्ट 4 लाख की है, इसमें से इसने बताया कि लैंड की कॉस्ट कितनी है 1,50,000 वॉज रीवैल्यूड टू 2,40,000, 1,50,000 हम माइनस कर देंगे 4 लाख में से, बाकी आपका आ जाएगा 2,50,000 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आप रिकॉर्ड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी जी 2,50,000 डिवाइडेड बाई 25 जी क्या आ जाएगा आपका 10,000 हम माइनस कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई, ये नहीं है गलत नहीं है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की नहीं हुई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, रिकॉर्ड की ही नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्लांट एंड मशीनरी 2,48,000 का दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो 24,800 आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,800 इसमें से हम माइनस कर देंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल वो हमने रिकॉर्ड करनी है, लेकिन पहले हम लॉस प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि जो मोटर व्हीकल हमने पार्ट एक्सचेंज की है उसकी कॉस्ट 20,000 थी और उसकी डेप्रिसिएशन थी 9760, तो 20,000 में से माइनस कर देंगे 9760, बुक वैल्यू उसकी है 10240, बेचा आपने कितने का है 13,000 का, 2760 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल आ जाएगा 2760 जो आपका ऐड हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो रहा है आपको, मैं दोबारा समझा देता हूँ शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, रिपीटेड अगेन देखें देखें जो एसेट आपका पार्ट एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है 13,000 का, उसकी कॉस्ट थी उस वक्त 20,000, कॉस्ट उसकी 20,000 है, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो हो चुकी है कितनी 9760, इसका मतलब है कि वो 9760 टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो उसकी बुक वैल्यू आपके पास आ जाए, ठीक है जी, जो कि कितनी आती है माइनस 9760 इट इज 10240, बेचा आपने कितने का है 13,000 का,
डेफिनेटली आपका ज्यादा बिक गया, वो आपका 2760 का प्रॉफिट हो जाएगा जो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। मैंने जो है वो ऐड कर दिया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल का लास्ट पॉइंट, आपको पता ही है नए व्हीकल पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पहले 25,000 के ऊपर कितने परसेंट है बेटा, 20%। तो लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन न्यू व्हीकल 25,000 पे 20% है, और ये आपकी कितनी आ जाएगी 5,000, ये तो आ गई। अब रिमेनिंग व्हीकल्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, सारी बात है। कैसे, आपको पता है कॉस्ट में से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे, इससे पहले करते थे हम, पिछले सवालों में मैंने बताया 1,53,000 में से माइनस करेंगे 20,000, 53,000 कॉस्ट है मोटर व्हीकल की, तो बेचे एसेट्स की कॉस्ट माइनस कर देंगे। इसी तरह टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको दी हुई है 84,800 में से आपने जो एसेट बेचे है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वो कितनी है डेप्रिसिएशन उसकी 9760 जी। करें जरा क्या आता है आंसर दोनों के, जरा बताइएगा मुझे। 1,53,000 में से माइनस करें 20,000 तो ये आपका आ जाएगा 33,000। सर 75,040 ये माइनस कर देंगे 1,33,000 में से 57,960 ये आपके पास आ जाएगा 57,960। डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम कितने परसेंट, 20% कितनी आ जाएगी जी, 11592 ऐड कर देंगे आप 5000, मतलब 11592 ये एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन है, और जो नया एसेट परचेज किया उस पे 5000 है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 16592। माइनस कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट का, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आप करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। निकालें शिवा कैलकुलेशन करें कितना आता है। डार्क प्रॉफिट फॉर द ईयर से मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है उसने कहा, इन चीजों को आपने अकाउंट फॉर नहीं किया। उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें एक तो बैड डेट्स थे आपके, ठीक है जी, जी आंसर बताइएगा मुझे। सर आंसर है 91398। ठीक है जी, सबसे पहले तो बात ये है, आंसर में डाउट हो रहा है वैसे, लेकिन चलिए देखेंगे, वैसे क्या बाकी सब कुछ ठीक है, आंसर में डाउट हो रहा है मे बी कोई, सबसे पहले देखें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने ज्यादा लिखी हुई उधर, वही मैं वो 3720 है, वो 37200 मैंने कहा था आंसर मुझे क्योंकि याद है, मुझे अंदाजा हो गया कि गलती हुई है, 3720। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की मैं बात कर रहा था बेटा, वो 6 महीने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 7,500 दिए हुए, उसमें से 5 महीने के आपके प्री पेड थे, तो 5 और 6 करके आपने एड बैक इसलिए किया कि आपने एक्सपेंसिस में से माइनस नहीं किया हुआ, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा। फिर बैड डेट्स थे 2,000 के, वो माइनस करके आपने 1,22,000 रुपए प्रोविजन भी निकाली, बैड डेट्स भी माइनस किए, प्रोविजन भी माइनस कर दी। फिर डेप्रिसिएशन थी बिल्डिंग पर, वो माइनस किया आपने, और यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके, प्लांट एंड मशीनरी पर स्ट्रेट लाइन थी 10%, वो माइनस कर दी। और जो एसेट आपने बेचा है व्हीकल, उस पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल पहले निकाला है आपने, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने 20,000 में से 9760 डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, 10240 बुक वैल्यू थी, बेचा आपने 13,000 का था, तो 2760 का उस पर प्रॉफिट हुआ था। फिर डेप्रिसिएशन निकाली मोटर व्हीकल पर आपने, नए मोटर व्हीकल जो खरीदा था उस पर 25,000 पे 20%, 5,000 आ गई, और रिमेनिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स पर निकाला कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस की जो बेच दिया था, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस की जो बेच दी थी, जो रिमेनिंग वैल्यू आई उस पर निकाली 20%, 11592 प्लस 5,000 तो आपका आ गया 16592। जी इशफाक आंसर बताइएगा जल्दी से। सर 103898। थैंक यू वेरी मच, अब ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। याद रखिएगा चैप्टर ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कंपनी अकाउंट्स का, कल हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे वैसे, जस्ट टू फिनिश द लेक्चर, फिनिश द चैप्टर, बट डोंट वरी, पेपर में 100% क्वेश्चन ठीक होना जरूरी नहीं है,